प्रणाम करतानी भोजपुरी देखे वाला सब दर्शक लोग के आ चुकल बानी हम ममता तिवारी राउर पसंदीदा प्रोग्राम ओ वुमनिया के लेके। हर बार के लेखा ये बार भी ले आयल बानी भोजपुरी फिल्मी दुनिया से हर ताजा खबर जो जनला का बाद रउआ सबके बहुत खुशी होगी। तो चली शुरुआत कोल जा व जान लेवे के पहला खबर जो जुड़ल बाटे पवन सिंह के आ खेसारी के आ एको औरो करीबी के, माने एगो ऐसन शख्स जे पवन के साथे साथे खेसारियों के बहुत ध्यान रखेले। आ खेसारिये के ना इंडस्ट्री में सब लोग के ध्यान बहुत रखेले। इनका नाम बाटे अजीत सिंह, लेकिन प्यार से इंडस्ट्री के लोग इनका के भोजपुरिया काका कहिला। काका काहे से कहिला ई रहो सब समझ सकता नहीं, काहे कि इतना लोग के भाई घर में जब सब केहू होला तो सब कोई के खातिरदारी या चाहे ध्यान तो बढ़े नू रखेला घर के, तो यही से काका नाम पड़ गई बा इनका। पवन के बहुत करीबी बड़े, बचपन के लंगोटिया यार हमें, लेकिन खेसारी के साथ भी यारी खूब निभावेले। देखिए भोजपुरी के सुपरस्टारों की लोकप्रियता दिनों दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। पवन सिंह ने अपना गाना लॉलीपॉप लागेलू गाकर तो बाहरी देशों में भी खूब तहलका मचाया, लेकिन अब पवन के अलावा खेसारी भी लोकप्रियता के मामले में काफी आगे निकलते जा रहे हैं। इन सितारों की लोकप्रियता सिर्फ आम लोगों या फैंस में ही नहीं है, बल्कि इन सितारों से जुड़े दोस्तों रिश्तेदारों में भी ये खूब पसंद किए जाते हैं। देखा होगा आपने कि ये स्टार्स कहीं भी कभी भी अकेले नजर नहीं आते, बल्कि उनके साथ कई सारे लोग चलते हुए आपको जरूर दिखाई देंगे जो स्टारों के बेहद करीबी हैं। खेसारी के साथ आपने अक्सर पवन पांडे को देखा है, तो वहीं पवन सिंह के साथ आप अक्सर अजीत सिंह उर्फ भोजपुरिया काका को ही देखते होंगे। जानते हैं आप कि उन्हें भोजपुरिया काका क्यों कहा जाता है? नहीं ना, क्योंकि ये भोजपुरी के सभी कलाकारों का बड़ा ख्याल रखते हैं, सभी को काम करने के लिए मोटिवेट के साथ साथ सपोर्ट भी करते हैं। कल्लू से लेकर खेसारी तक के साथ भी कई बार ये नजर आ चुके हैं, और किसी की भी इतनी मदद, इतना सपोर्ट, इतना सहारा काका नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भाई। तो इसीलिए अजीत सिंह को नाम दे दिया गया है भोजपुरिया काका, जो पवन सिंह के काफी करीबी हैं। तो बढ़ल जाओ आगे जान लेवे के अगला खबर जो जुड़ल बाटे चिंटू के फिल्म माई रे माई हमरा उहे लईकी चाही से। ये फिल्म के पहले जो डेट आयल रिलीजिंग के उ ई रहे कि होली पर चिंटू के ये फिल्म रिलीज हो जाए, लेकिन अब खबर आवता कि फिल्म होली पर रिलीज ना होई, ये फिल्म के रिलीजिंग डेट के आगे बढ़ा देवल गई बा। अचानक से बदलल बा ये फिल्म के रिलीजिंग डेट। सुने में आ रहा बा कि फिल्म पर सेंसर बोर्ड के बैन लग गई बा, लेकिन का ऐसा तो कुछ हमरा फिल्म के ट्रेलर में चाहे नाम में ना लगल कि सेंसर बोर्ड के ताला लग जाए। हो सका था फिल्म के प्रमोशन के ही एगो जरिया होखो कि आजकल सब कोई बात फैला देता कि हमार फोन फिल्म पर सेंसर बोर्ड के ताला लग गई बा। जब ऐसा लोग में सुने के मिला था तो लोगों फिल्म देखे जाए कि भैया का रहे में कि सेंसर बोर्ड के ताला लग जाए। तो अभी तक फिल्म के रिलीजिंग डेट आगे बढ़ा गई बा, मैटर कुछ भी होखो वो अभी सामने खुल के नहीं आई, लेकिन हमरा नहीं लागत कि सेंसर बोर्ड के बैन लागल होगी। लेकिन कब रिलीज होगी अब डेट बदलला के बाद, रिलीजिंग डेट आगे बढ़ गई बात, तो कब होगी फिल्म रिलीज ये जाने खातिर देखी एक खबर। भोजपुरिया स्टार प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म सेंसर में फंसी फिल्म माई रे माई हमरा उहे लईकी चाही अब होली के बाद रिलीज होगी। इस बारे में फिल्म के निर्माता नरेश प्रजापति और राधे गोविंद गुप्ता ने कहा कि चिंटू की ओर से फिल्म माई रे माई हमरा उहे लईकी चाही भोजपुरिया दर्शकों के लिए उपहार होगी, पर अब ये फिल्म 16 मार्च को रिलीज होने वाली है, यानी एक हफ्ते बाद के लिए ये फिल्म टाल दी गई है। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी गुजरात में काम करने वाले भोजपुरिया मजदूरों और वहां के मालिकों की है, जिसमें एक गरीब मजदूर राजू पांडे को अमीर मालिक की बेटी से प्यार हो जाता है। इसका क्लाइमैक्स और भी खूबसूरत है जो लोगों को पसंद आने वाला है। बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू अंजलि फिल्म क्रिएशन के बैनर तले बनी फिल्म माई रे माई हमरा उहे लईकी चाही को पहले ही इस साल का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बचा चुके हैं। वहीं इस फिल्म के निर्देशक अजय कुमार झा ने बताया कि फिल्म में चिंटू के अपोजिट प्रीति ध्यानी की केमिस्ट्री काफी खूबसूरत है। तो इंतजार कीजिए बस कुछ हफ्तों और मार्च के तीसरे सप्ताह में चिंटू की ये फिल्म रिलीज हो जाएगी आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जो जुड़ल बाटे गदर 2 फिल्म से। गदर 2 फिल्म में जब शूटिंग शुरू ना भइल रहे, स्टार कास्ट के चयन चलत रहे, तो सब कोई का पूरा उम्मीद
पूरा विश्वास कि ये फिल्म में पवन सिंह नजर आई हन, काहे कि गदर वन से जब गदर बनल रहे तब वो फिल्म के दर्शक लोग का आंख पर मन पर इतना छागल रहे पवन सिंह के एक्शन अवतार गाना से लेके हर कुछ हर सीन। आई फिल्म के सफलता खातिर पवन सिंह बहुत प्रमोशन भी कैले रहले, बहुत मेहनत भी कैले रहें, जेकर फल भी मिलल। लेकिन जब स्टार कास्ट चुन लेवल गए, फिल्म के शूटिंग के सीन शुरू हो गए और सामने आवे लगल, सब कोई के आशा टूट गई काहे कि वो फिल्म में पवन सिंह ना रहले, बल्कि पवन सिंह का साथ विशाल अलावे मतलब ओकरा पवन सिंह का जगह पर विशाल सिंह नजर आयल रहले। आई देखते के साथे सब कोई का पैरों तले जमीन खिसक गए, काहे कि ये फिल्म में एगो नया एक्टर के एंट्री भइल जे बचपन से ही एक्शन कर रहल बाने, ऐसा उनकर कहनाम बा। देखी भोजपुरी फिल्म हथियार से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले युवा अभिनेता विशाल सिंह ने कहा कि मुझे एक्शन करना बचपन से ही पसंद है, एक्शन में मैं बचपन से ही करता और सीखता रहा हूँ, इसलिए ये तो मेरे लिए एक खेल है। मैं हमेशा कुछ नया और अलग करने की कोशिश करता हूँ। अभी होली पर मेरी एक फिल्म आ रही है गदर 2, जिसके निर्देशक रमाकांत प्रसाद हैं। उन्होंने मुझे अपनी सुपरहिट फिल्म गदर के सीक्वल गदर 2 में मौका मेरी एक्शन क्षमता से प्रभावित होकर दिया। बता दें कि निर्माता संजय राजपूत की फिल्म गदर 2 होली के अवसर पर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है, जिसमें विशाल सिंह मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस फिल्म को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही रिलीज होना था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने तब इसे हरी झंडी नहीं दिखाई थी, मगर अब ये फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। और फिल्म को लेकर विशाल सिंह ने कहा कि गदर 2 की कहानी और उसका एक्शन अद्भुत है। फिल्म तो आपने बहुत देखी होगी, एक्शन भी बहुत देखा होगा, लेकिन गदर 2 में जो एक्शन है वो मेरा दावा है कि दर्शक पहली बार देखेंगे, कमाल का एक्शन है। उन्होंने कहा कि मुझे जब निर्देशक रमाकांत प्रसाद ने गदर 2 का ऑफर दिया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन आज मैं इसमें हूँ। गदर 2 कमर्शियल फिल्म है जिसमें अंडर करेंट और रिवेंज देखने को मिलेगा। फिल्म में मनोरंजन का पूरा फॉर्मूला है। रमाकांत प्रसाद इंडस्ट्री के एक ऐसे निर्देशक हैं जो भोजपुरी दर्शकों की नब्ज पकड़ना जानते हैं। उनके साथ साथ काम करने का अनुभव काफी अच्छा रहा। गदर 2 लोगों को खूब पसंद आएगी। तो होलिये पर रिलीज होके जाता गदर 2, देख लेम लोग कि कैसन बचपन से ही एक्शन करत रहले हैं तो फिल्म में कैसन उभर के आयल बा बचपन के कलाकार बने। तो बढ़ल जाओ आगे, जान लेवे के अगला खबर जो जुड़ल बाटे एगो ऐसन फिल्म जो दर्शक के लोकप्रियता के में सबसे आगे रहल। आ अब ये फिल्म के खुशखबरी ये फिल्म से जुड़ा लागल बा कि एकर दूसर पार्ट बना था। जी हाँ, हम बात कर रहल बानी देवरा बड़ा सतावेला पार्ट 2 के। एकर फिल्म पार्ट 2 जल्द ही बने वाला बा। सुने में आयल बा कि फिल्म में रवि किशन और चिंटू रहियन, पवन सिंह के अभी फिक्स नहीं थे लेकिन हो सका था नजर रहियन, काहे कि दर्शक लोग के डिमांड बाटे। अब पहला हूँ ये फिल्म में रवि किशन पवन सिंह और चिंटू के जोड़ी रहे। ये फिल्म के गाना बहुत लोकप्रिय भइल, अभियो बाटे, अभियो लोग सुनेला, लेकिन अब दूसर पार्ट में पवन सिंह नजर रहियन कि ना, ये बात के संशय बरकरार बाटे। तो जब फिल्म के शूटिंग शुरू हो जाए तो यही हो पता लग जाए, लेकिन फिलहाल वो सब देखी खबर। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी कई सारी फिल्में रही हैं जिन्हें दर्शकों का अटूट प्यार मिला, जिन फिल्मों के सुपरहिट होने के बाद उस फिल्म के दूसरे या तीसरे पार्ट भी देखने को मिले हैं। इन्हीं फिल्मों में से एक है बैरी कंगना 2, जो काफ़ी समय पहले बनाई गई थी, और लोगों की पसंद को देखते हुए अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी रवि किशन और काजल पर फिल्माया जा रहा है। साथ ही एक और फिल्म देवरा बड़ा सतावेला तो दर्शकों की पहली पसंद में से एक थी। इस फिल्म में रवि किशन, पवन सिंह और चिंटू नजर आए थे, वो भी तीनों भाई के किरदार में। तो और इस फिल्म के गाने अभी भी सुने जाते हैं। इस फिल्म के कुछ गाने हैं जो हमेशा चर्चा में रहे, जैसे कि जैसन सोचले रहनी ओइसन धनिया मोरबाड़ी सावर ना गोरबाड़ी हो। दूसरा गाना था मन रंगीला बा 16 बरिस में जवान भइल बाड़ू, जिसमें पवन सिंह ने अपनी आवाज दी थी। इसके अलावा एक और गाना जींस छोड़ के पेना सलवार जैसे गाने लोग आज भी सुनते हैं, जिसे चिंटू ने अपनी आवाज दी। इस फिल्म में चिंटू एक बाल कलाकार ही थे क्योंकि उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी। इन गानों को लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं, तो सोचिए इस फिल्म को देखना और वो भी इसका दूसरा पार्ट देखना कितना पसंद करेंगे। इसलिए इस फिल्म का भी अब दूसरा पार्ट बनने वाला है। जी हाँ, देवरा बड़ा सतावेला पार्ट 2 बनेगी। इस फिल्म में रवि किशन और चिंटू नजर आएंगे, ये बात तय हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म में पवन सिंह होंगे या नहीं इस बात का खुलासा अभी भी नहीं हो पाया है, क्योंकि हो सकता है पवन अगर किसी और फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रहे तो फिर उनकी जगह किसी और हीरो को ले लिया जाएगा।
भाई अगर पवन सिंह ना रही हो तो मजा ना आई ये फिल्म में, कहे कि देखिए पहला पार्ट में फिल्म के जबरदस्त गाना चिंटू आ पवन के आवाज में जबरदस्त गाना लोग के इतना ज्यादा पसंद आयल रहे कि अभी लोग देख लेला जब मन करेला ये फिल्म, बहुत अच्छा फिल्म बाटे। तो बढ़े के आगे, अब चले के समय हो चुकल बा बढ़े के ना, तो बताई ले जाए से पहले एगो मैसेज भेजले बड़े। अंगद राज लिखत आ रहे, खेसारी का लोकप्रियता ज्यादा है और नंबर वन का सिंगर है खेसारी। तो अगर सुन रहे बाड़े खेसारी तो गौर जरूर फरमाए अंगद राज के मैसेज करे खातिर, बहुत बहुत धन्यवाद। चले के समय हो चुकल बा, लेकिन जाए से पहले कहल चाहे कि नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करल मत भूलें लोग, दी ही इजाजत, प्रणाम। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।